ओम शांति। आज की तारीख है 29/10/21 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को वापस घर जाने के लिए लेने आए हैं। अब जो हमारा घर है वहाँ कोई आवाज नहीं, वाणी से परे वो स्थान है। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा आज क्या कहते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अब आवाज से परे जाना है, इसलिए मुख से शिव शिव कहने की भी दरकार नहीं है। प्रश्न है, एक बाप को ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरों को नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि एक बाप को ही याद करने से आत्मा पतित से पावन बन जाती है। बाप ही हैं जो पतितों को पावन बना देते हैं, बाकी कोई भी देहधारी मनुष्य पावन बना नहीं सकते। बाप तुम्हें रावण राज्य से मुक्त कर देते हैं, तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो। जितना जास्ती याद करेंगे उतनी शक्ति मिलेगी और खाद निकलती जाएगी। गीत बजा है ओम नमः शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु, नंबर एक, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है, बुरे संस्कारों को निकाल अभी अच्छे संस्कार धारण करने हैं, कोई विकर्म न हो इसका ध्यान रखना है। नंबर दो, इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए अपने आप से बातें करनी है कि हम भगवान के साथ पार्टधारी हैं, कितना अच्छा हमारा पार्ट है। तो ये ईश्वरीय नशा, रूहानी नशा चढ़ता है। वरदान सतगुरु बाबा का, तो सतगुरु कहते हैं कि मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो तो अंदर में समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उसे उनका नशा और खुशी रहती है। इसलिए कहा जाता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज, उलझन आकर्षित नहीं कर सकती। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः ही मिल जाता है। स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।